साथियों, समय के साथ हमारे देश की राजनीति में अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई है और आज इस बारे में भी मैं उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कुछ बात बताना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है और वो रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ ताकि उनका ताज सलामत रहे। इस विकृत राजनीति का आधार रहा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना करो, उन्हें आश्रित बनाकर रखो। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में हुए कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने देना है। दुर्भाग्य से इन राजनीतिक दलों के लोगों ने भी ये सोच पैदा कर दी कि सरकार ही हमारी माई बाप है, अब जो कुछ भी मिलेगा सरकार से ही मिलेगा, तभी हमारा गुजारा होगा। लोगों के मन में भी ये घर कर गया, यानी एक तरह से देश के सामान्य मानवी का स्वाभिमान, उसका गौरव सोची समझी रणनीति के तहत कुचल दिया गया, उसे आश्रित बना दिया गया। और दुखद ये कि ये सब करते रहे और कभी किसी को भनक तक नहीं आने दी। लेकिन इस सोच, इस अप्रोच से अलग हमने एक नया रास्ता चुना है। हमने जो रास्ता चुना है वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग मुश्किल है, लेकिन देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। और हमारा मार्ग है सबका साथ सबका विकास। हमने कहा कि जो भी योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे। हमने वोट बैंक की राजनीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। हमारी अप्रोच रही कि देश को मजबूती देनी है। हमारे देश कब मजबूत होगा? जब हर परिवार मजबूत होगा। हमने ऐसे समाधान निकाले, ऐसी योजनाएं बनाई जो भले वोट बैंक के तराजू में ठीक नहीं बैठे, लेकिन वो बिना भेदभाव आपका जीवन आसान बनाएगी, आपको नए अवसर देगी, आपको ताकतवर बनाएगी। और आप भी नहीं बचाएंगे, आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आप अपने बच्चों के लिए
एक ऐसा वातावरण छोड़े जिसमें आपके बच्चे भी हमेशा आश्रित जीवन जिए। जो मुसीबतें आपको विरासत में मिली, जिन कठिनाइयों में आपको जिंदगी गुजारनी पड़ी, आप भी नहीं चाहेंगे कि आप वो विरासत, वो मुसीबतें बच्चों को वैसे ही देकर जाएं। हम आपको आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा था, कि जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जादाता भी बने, तो इसके लिए हम खेत के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाने की कुसुम योजना लेकर के आए। इससे किसान को खेत में ही बिजली पैदा करने की सुविधा हुई। ना तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। और इस प्रयास में भी उसको बिजली भी मिली और देश पर भी भार नहीं आया और वो एक तरह से आत्मनिर्भर बना। और ये योजना देश के कई जगह पे हमारे किसानों ने लागू की है। इसी तरह हमने देश भर में उजाला योजना शुरू की। कोशिश थी कि घरों में बिजली का बिल कम आए। इसके लिए देश भर में और यहां उत्तराखंड में करोड़ों एलईडी बल्ब दिए गए, करोड़ों। और पहले एलईडी बल्ब 300-400 रुपए के आते थे, हम उनको 40-50 रुपए तक लेकर के आ गए। आज लगभग हर घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं और लोगों का बिजली का बिल भी कम हो रहा है। अनेकों घरों में जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार है, हर महीने 500 से 600 रुपए तक बिजली बिल कम हुआ है।